ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल से वोकल की अवधारणा को साकार करने की दिशा में नरसिंहपुर में एक अनुपम प्रयोग किया गया है, जहां दैनिक उपयोग की वस्तुओं के विक्रय के लिए रूरल मार्ट की शुरुआत की गई है, जहां एक ही छत के नीचे समूह की महिलाओं के हाथों बनी वस्तुओं का विक्रय किया जा रहा है। केंद्र की ग्रामीण आजीविका मिशन और नाबार्ड के संयुक्त प्रयास से इसकी शुरुआत की गई, ताकि ग्रामीण उत्पादों को शहरी क्षेत्र में बेचा जा सके। रूरल मार्ट की शुरुआत करने वाली महिलाओं की जमकर सराहना भी हो रही है। बता दें, जिले में इस तरह का पहला उपक्रम शुरू किया गया है, जो एक प्रकार से प्रयोग के प्रारंभिक चरण में है। जल्द ही आगामी दिनों में हर तहसील क्षेत्र में इस तरह की रूरल मार्ट दुकानों की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार, मोदी सरकार द्वारा जो पहल की गई है, इसमें महिलाओं को न केवल रोजगार का अपितु आत्मनिर्भर होने का भी सीख मिल रही है। और जो उत्पादन इन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, इसमें मार्केट के उत्पादन से कहीं ज़्यादा गुणवत्ता भी अच्छी है और शुद्धता और रेट में भी कम, मार्केट के हिसाब से कम मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महिलाओं की आत्मनिर्भर बनावे एवं लोकल पर वोकल की आधारणा को साकार करने में आजीविका रूरल मार्ट की नरसिंहपुर में स्थापना की गई है। सबसे खास बात तो यह है कि यहां विक्रय किए जाने वाली सभी उत्पादन नरसिंहपुर जिले में विभिन्न स्व सहायता समूह द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें न केवल ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलता है, बल्कि वह आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और नए हुनर भी सीख रही हैं। ग्राम में जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए NRM के माध्यम से और नाबार्ड के माध्यम से हमने एक समूह को शहर में एक दुकान उन्होंने खोली है। उसका दुकान का किराया नाबार्ड द्वारा दिया जाएगा। उस दुकान में जो स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुए, इसके अलावा अन्य ज्वेलरी, अर्थिंग ज्वेलरी सारे उस दुकान में हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुकान खोली गई है। इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, उन महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और लोगों को जो हाथ से बनाई हुई सामग्री मिल रही है, उनको रोजगार भी मिल रहा है और लोगों को लाभ भी हो रहा है।